कर ले इसने पॉटी, उठाओ तुम अब। ये सारा काम सिद्धार्थ का उठाने का। पकड़ो क्या पकड़ो इसको। तो गाइस यहाँ पे दुबई में आप ऐसे पॉटी करा के नहीं छोड़ सकते और आपको उठानी पड़ेगी वो शिट, जैसे सिद्धार्थ शिट उठाने जा रहा है। फोकस सिद्धार्थ फोकस, छूट गई, दांत साफ करो। यहाँ पे डॉग्स पालना इतना इजी नहीं है इंडिया की तरह कि आपने पाल लिया और बस सब कुछ रोड पे करा दिया। तो वो डस्टबिन है, अभी जाके वहाँ फेंकेगा। जाओ माइल्स, हो गई तुम्हारी पॉटी छोटी, हो गई। ये देखो भागा उसके पीछे पीछे, ये फैन है, ये मुझे भी दौड़ाएगा। ओए रुक जा गाइस, ये इतना आलसी है, इसको खींचते रहो ना ये नहीं जाएगा। इसको खींच के अच्छी पॉटी हो गई, मतलब अभी घर जाना है इसको। चलो देखो अभी कितने शांति से भाग रहा है, खुशी खुशी की घर जा रहे हैं अपन। अब इसको वापस लेके जाओ, वापस लेके जाओ, देखना ये नहीं जाएगा, रोक लेगा अपने आप को। ये देखो रोक लिया इसने, नहीं जाएगा ये। अच्छा चलो चलो, देखो अभी देखो ये भाग रहा है। इनको भी गाइस पता होता है कि कब भागना है कब नहीं, इनको पता है रास्ता घर का। सही लोगों के साथ अभी देखना पीछे मुड़ेगा। माइल्स नहीं नहीं, अब इसकी फट गई, इसकी फट गई, देखो यही रुक गया। नहीं नहीं वो दूर भागेगा, वो नहीं आएगा, उसे गर्लफ्रेंड जा रही थी पटा नहीं पाया, लेकिन उसे गर्लफ्रेंड नहीं। देखो वो भौंक रहा है, क्यों तू, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही है। वो देखो भौंक उससे जाते हैं, आवाज कैसी है। हाँ मुड़ मुड़ के कर रहा है उसको, और इसकी पूछ ही नहीं रहा है जाने की इतनी जल्दी कि भाग रहा है रोड पे। रुक जा माइल्स, अभी रेड है, रेड है, रुक जा। भागा, इसको पता है घर का रास्ता। गेट आलो देखो इसका नेम टैग भी है माइल्स, ये माइल्स है, क्यूटू सा माइल्स है। खोल दो, भागा चल भागा, इसको पता है कहाँ जाना है। चलो चलो हम पीछे ही है, हम पीछे, ये रुक, हाँ चलो साथ चलो, ये लो हनुमान चालीसा, ये भी सुन रहा है। साजे मन के नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। ओ माइल्स, धार्मिक माइल्स। आज माइल्स खाएगा मैगी, ये देख एक और गरम है, धुआं निकल रहा है। ओबे ओए रुक, चल दूसरा फाइट ऑफ मैगी। गिर जाएगा नीचे गिर जाएगा, इसकी नजर वही है। ओके गुड बॉय, मैगी खाएगा, पराठा और बहुत वाला दूध पड़ा है। अरे माइल्स बाय, ये देखो हमारा बैग रेडी हो गया है, हम जा रहे हैं। इसमें और भी मम्मी जा रहे हैं स्विमिंग करने, पानी ठंडा हुआ तो वापस आ जाएंगे। मम्मी ने बोला अगर पानी ठंडा हुआ तो हम लोग वापस आ जाएंगे, बट मैं तो पिछले दो बार से ठंडे पानी में ही जा रही हूँ, लेकिन मज़ा आती है एक बार चले। एक बार उठ जाएंगे। हाँ ठीक है, आप गंगा में कितने गए हो, कितनी बार गए हो? वहाँ का पानी अलग होता है, ये पानी कुछ अलग से गर्म, इसमें गर्म पानी का मज़ा ले चुके हैं। यहाँ पे जैकूजी बंद कर दिया। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर देखने की, बाहर का पानी इससे अगर गर्म होगा तो हम फिर बाहर ही जाएंगे, लेकिन बाहर का अपनी हाइट बहुत छोटी है, हम जैसे बॉर्डर लोग के लिए नहीं बना है बाहर का स्विमिंग वाला।
धूप इधर ही है, यहाँ का पानी भी ठंडा ही है मुझे लग रहा है। अरे बाप रे, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, ऊपर ही चलता है। इट्स कोल्ड। नहीं बाबा, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, बहुत ठंडा पानी है। अंदर चलते हैं ना, फिर बाहर आ जाएंगे। अच्छा ओके, बहुत ठंडा पानी है, सोच के भी वो लग रहा है, लेकिन अंदर वाला इससे बेटर है। जाइए, हम अपनी औकात के अंदर आ चुके हैं। कौन सी कुर्सी? हाँ, एक डुबकी बस। चलिए चलिए, मैं भी आ रही हूँ अभी साथ में। अयो, एक डुबकी। नहीं, मम्मी तो घुस गई है, मेरी को भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है क्योंकि मैं बस पैर डाल के बैठी हुई हूँ, मैंने ये भी गीला नहीं किया अभी। करूँ क्या? अरे मुझे ठंड नहीं लग रही है। मेरे से नहीं जाया जा रहा। कितना बज रहा? सायरन बज रहा होता तो यहाँ पे बज रहा होता। पक्का नहीं किया आपने? नहीं, गैस धीमे रखी थी, बहुत धीमे की हुई थी। जल्दी चलो, खिचड़ी चढ़ा के गैस नहीं बंद करके आया तो भागना पड़ेगा हमको। तुम्हें डुबकी मार रही? नहीं, मैं नहीं मार रही, आपको मारनी, आप मारो, मैं नहीं मार रही। ठंडा है बहुत, बर्फ तो नहीं है, गैस जल रही है। हाँ, रुक जा माइल्स, अरे खींच, पक रही है, ज्यादा पक गई है। ये कितना तू चाह रहा है, तू नहीं जाती बाकी जो क्यों देती है। मुन्नी 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 लावड़ा हो गए जी, गुजरी मेरे पास जी। नो 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 नो, सुख मदीनत तो हम फाइनली अभी सूख मदीनत पहुंच गए हैं और मम्मी यहाँ पे नहीं आई हुई है पहले। ये आप फर्स्ट टाइम आए हो ना? तो मम्मी फर्स्ट टाइम आई है, तो मैंने कहा कि यहीं पे चलते, पहले मैं सूख मदीनत दिखाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक शूट भी करना है, तो मैं वो शूट करूँगी अपनी शॉर्ट्स के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। और फिर यहाँ पे देखिए छोटा मोटा तो खाएंगे क्योंकि अभी चल रहा है रमदान, और रमदान में यहाँ बाहर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, पहले से तो बहुत कम है, बट है। लाइन लगी हुई है, फोटो खिंचाने की मुर्जे लग रहा है उधर। और आज हम दोनों ने सेम लग ब्लैक व्हाइट, मैंने ब्लैक व्हाइट पहना हुआ है, तो यहाँ पे फोटो हम खिंचवाएंगे इनके बाद। हाँ, देखो रुको रुको, उनकी फोटो बनी। नहीं नहीं, दीवारें लाई गई, जोड़ा गया, दीवारें लाई गई, जोड़ा गया और वो बना के तैयार कर दिया इनको प्रीकास्ट। ऐसा प्रोजेक्ट अच्छा जो प्रीकास्ट। तो गाइस यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो बना है ना, ये लाला के बिल्डिंग यहाँ पे रखी गई है, बनाई गई है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी खुद से यहाँ पे नहीं बना। तो हम पहुँच गए हैं अभी अंदर, पूरी मार्केट लगी है। इधर से चलते हैं ना सीधा, तो ये एसी वाली मार्केट है जो आपकी बर्थडे पे है ना, जिसका वो एसी वाला मार्केट, एसी वाला सिटी साइड से।
देखते हैं। तो मम्मी को यहाँ पे दिख गया है ये सुंदर सुंदर, ये टर्किश है, ये टर्किश क्या बोलते हैं स्टाइल का है, लेकिन बहुत खूबसूरत है यार। लेकिन अगर अपने साइड में लगाओ बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन अगर घर में हमेशा के लिए तो नहीं अच्छा लगेगा, यही अच्छा लग रहा है। नहीं यार ये वाला सिंगल ले लो, ये वाले ले लो, कभी कभी जलाया, हर वक्त जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एक अपना लुक है। ये मोर ना मिले छोटे वाले, मेरे पीछे जो हालत है ना इस वक्त, मतलब भीड़ लगा रखी, पता नहीं कहाँ से ये सारे गोरे चले आए हैं, हद से ज़्यादा भीड़ है पीछे। फोटो खिंचाने के लिए लाइन लगी है, क्योंकि व्यू भी बहुत प्यारा है। ये व्यू जब मिलेगा तो कौन खींचेगा, आपको फोटो चाहिए यहाँ पे भी सेम है लेकिन नहीं है। अच्छा नहीं खींच रही हूँ। तो गाइस अभी हम लोग सोच रहे हैं कि पहले यहाँ पे बोट जो चल रही है इधर साइड यहाँ पे, तो बोट पे पहले चलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी बोट, अभी हम बोट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाना कैसे ये नहीं पता। ये आई थिंक क्योंकि विलास है ना, ये उनके लिए तो नहीं बोट चला रहे, बट यहाँ पे बोट चलती है। मैं बैठी हूँ एक बार वो सांता क्लॉज क्रिसमस के टाइम पे, जो भी कॉम है ना ये बड़े गंदे लग रहे हैं मुझे, रखे हुए यहाँ पे पता नहीं क्या। ऐसा पहनना अच्छा लगेगा, इसके दो हैं, सो आप ईयर में भी डाल करके उसे फंसाना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल में गले में पहन लेती है, सूट में भी लगवा सकते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन ये चिप वैसे लगो कि निकल जाए, हैंग हो निकल जाए। ये अब ये देखो, ये तो लग रहा है कि लोहे का, अरे बाप रे गिरेगा ये धड़ा, गिर जाएगा ये, वो हाँ हाँ हो रहा है, ये ऐसे होगा, मैं समझ गई, ये है ये चीज की टाइट होगी बस, तब भी गिरेगा, हम लोग तो गिरेगा ही। गाइस आपने कभी क्या मिल मिल आइसक्रीम देखी है? वो अभी करती हूँ, अभी करती हूँ। हाय one camel milk ice cream, sorry I want one, what size do you have? This one size we have, this is camel milk, you this make one. Here yeah this one, so guys, please, isme dal ke bhi dal ke isme banate ice cream, aur ye aap try karo pehle, ye badi hai oot ke doodh ki coffee, oh sorry ice cream, kaisa khilao नहीं। या तो मुझे लग रहा है मेरे मन में चल रहा है कि ये कैमल का दूध है इसलिए। I don't like that much honey. This one is no, I don't eat that much honey. Last one, please, last. This is amazing. Your honey, this is. यस आप खा रहे हो, मैं चम्मच ले आती हूँ, बहुत अच्छी है, मेरे तो बहुत अच्छी लगी। गाइस मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ, सॉल्टी है ये, सॉल्टी सॉल्ट डाला है आई थिंक, पता नहीं जिसने कैमल मिल्क पिया तो बताना भाई, उसमें नमक होता है नहीं होता, मीठा ज़्यादा होता है तो उसको थोड़ा बैलेंस करेंगे ना, मीठा तो है नो डाउट, बहुत ज़्यादा मीठा है, आइसक्रीम में चीनी तो डाली ही होगी उसने, एक बार कैमल मिल्क पीता है। आपने पी रखा है बाहर, इधर से बाहर क्या है एग्जिट है क्या? थैंक यू। तो गाइस अभी हम आए हैं लंच डे पे, लंच ही हो रहा है, तीन तीन हो रहा है, बट बहुत अच्छा है यहाँ से व्यू। थैंक यू। तो गाइस मैंने मंगाया था एक ग्रीन करी और साथ में ये जो आता है इनके साथ जैस्मिन राइस, यही घर पे है तो जैस्मिन राइस जो बना रहे हम। खाइए
और इसमें सबसे अच्छा इसमें मिक्सी का प्रयोग ना हो तो ज़्यादा अच्छा वो उसमें बट्टे में ओके फूड याद है मैम सच में बनाया भी अच्छा है हाँ बढ़िया बना एक एक चीज का फ्लेवर ऊपर आ रहा है हर एक चीज का फ्लेवर ये क्या होता है मटक नहीं होते कुछ और ही होता है इंडिया में इसको डेले कहते हैं डेले व्हाट इज डेले इसका अचार बनता है वो जो पेड़ पे लगे रहते हैं अरे मतलब मुस्कुराहट आ गई तुम्हारे कैमरा देखते हैं कितना अच्छा व्लॉग कर रही है मेरे को मैं मिलवा रही हूँ देखो कौन आया कौन आया कौन आया खाना मंगा लो मैंने वापस रखवा दिया तुम्हारा खाना आइस केक आइस इंडियन डिफरेंट नेचुरल है क्या नहीं डिफरेंट ये क्या हो रहा है किसी लगी शादी मौसम भी अच्छा है मौसम में तो सही फोटो मैं कैसी लग रही हूँ मैं बताया नहीं ये देख के या मुझे देख ये देखिए तो वे देख के तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं कोई रमजान मार्केट जहाँ पे लगी होगी क्योंकि मेरा बड़ा मन है वो देखने का बट सिद्धार्थ को पता नहीं किधर है मैं जो बता रही हूँ वही जगह है देखो अंदर देखो टेबल्स मिलेंगे अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पे वो है चलो स्टॉल्स और वैसा नहीं नहीं चलो फिर ये नहीं अपनी जगह यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया अभी कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट डेरा चलते हैं अब इतना इधर आ गए हैं तो डेरा में देख लेते हैं क्योंकि डेरा में फॉर श्योर लगा होगा मुझे भी लग रहा है कि डेरा में होगा मंदिर भी उधर ही जा ले चले चलेंगे हाँ तो गाइस मुझे रमजान मार्केट तो वहाँ पे बंद मिली तो इसीलिए मैं अभी डेरा साइड आ गई हूँ तो हमने यही सोचा इसको जाने दो पहले ये शोर मचाए पड़ा है तो हमने यही सोचा कि अभी हम यहाँ पे इधर आए ही हैं तो हम ओल्ड दुबई साइड ही घूमते हैं कुछ खाए पियेंगे ऐसा क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद आ रहे हैं कितना अच्छा लगा आई थिंक यही था सिद्धार्थ मुझे वो अच्छी लग रही है ड्रेस ये वाली नहीं पिंक और बगल वाली भी दोनों अच्छी लग रही है तो गाइस अभी हमारे सामने ये सिर्फ प्लेट आके रखी हुई है अभी हम खा नहीं सकते क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है टाइम क्या हो रहा है अभी 10 मिनट बचे हैं उसके बाद ही हम खा पाएंगे तो हम वेट कर रहे हैं हमारे सामने खाना रखा है गाइज अभी हम आ गए हैं ओल्ड दुबई साइड जो मंदिर है वहाँ पे और यहाँ की वाइब्स ही आपको दिख जाएगी ये देखो मैं अपने पुराने एक और व्लॉग में दिखा चुकी हूँ जहाँ पे मैं रक्षाबंधन के लिए राखी की शॉपिंग करने आई थी तो ये है और यहाँ पे सारे पंडित जी जय माता दी कैसे हो दीदी बढ़िया लखनऊ अरे नाइस यही रहते हैं पूजा का कार्ड है हाँ जी सत्यनारायण की गाड़ी पूजा जी थैंक यू तो यहाँ पे ये सब भी चलता है यहाँ पे पंडित जी अपने कार्ड्स देते हैं यहाँ पे उतारना है कि कहाँ पे गृह प्रवेश पक्का लेंगे यहाँ पे भी घर लेंगे तो ये देखो भाई ये जा रहा है पूरा मंदिर की रास्ता है मंदिर का रास्ता इधर से हो गया है मंदिर का रास्ता यहीं से बंद है इधर से शिफ्ट हो गया किधर हो गया जबलाल अच्छा पूरा मंदिर ही उधर शिफ्ट हो गया मंदिर शिफ्ट हो गया इधर है ही नहीं अब इधर मंदिर ही है किधर है कहाँ पे कृष्ण मंदिर इधर पीछे है तो सीधा जाके राइट अच्छा शिव मंदिर साईं बाबा वाला शिफ्ट तो यहाँ कौन सा है कृष्ण मंदिर अच्छा कृष्ण जी का है कृष्ण जी का किधर है वो बाहर ही है आओ उस पर चले
ये मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे मंदिर शिफ्ट हो गया जहाँ हम जबल अली वाले पे जाते हैं। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक कृष्णा मंदिर है तो वो है ओपन, वहाँ पे जा सकता है। पूरा वाइट मार्बल का है, कौन सा कह रहे हैं, नया मंदिर जो बना है गुरुद्वारे के बगल में। आई थिंक ओ इधर होगा कृष्णा मंदिर, तभी लोग यहाँ पे उतार रहे थे ना। गाइस मंदिर में तो फ़ोन अलाउ नहीं था तो हम मत्था टेक के फिर बाद में हम कड़ी पत्ते का पेड़ और कुछ मंदिर की सामान लेके आ गए हैं। तो अभी जा रहे हैं हम किधर, पुराना माल। पुराना माल क्या करने जा रहे हो? हलवा खाने। ओ आप क्या खाओगे, हलवा? हाँ हलवा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हलवा खाने, तो हम हलवा खाते हैं, आप भी अपना जाओ खाना वाना खाओ यार। तो मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो। तो एंड आई एम सॉरी कि मैंने बहुत टाइम बाद ब्लॉग बनाया है, मुझे पता है एटलीस्ट 2 महीने हो चुके हैं मैंने कुछ नहीं किया, बिकॉज बहुत सारा कुछ पर्सनल रीज़न था जिस वजह से मैंने नहीं किया। बट कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि क्यों नहीं ब्लॉग आ रहे हैं, अभी आई एम मिसिंग योर ब्लॉग्स एंड ऑल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आई थिंक वही मेरे इंस्पिरेशन है कि मैं फिर से मैंने ब्लॉग बनाया है आज टाइम निकाल के। तो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव यू, बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।